पश्चिम की दुनिया के लोग बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड उगलते रहे, वार्मिंग का कारण बन जाए, अब उनके पाप धुलने के लिए कार्बन क्रेडिट आई, ताकि वो दुनिया के गरीब देश जहां पर पेड़ पौधों के हिसाब से या वहां पर वो कार्बन उगलते नहीं है तो उसकी कीमत लेकर के यहां के पुण्य को वो पैसों से कमाता है और अपने खाते में डालता है। ये एक एक चल पड़ा है मित्रों। खैर उसका भी मैं फायदा उठाने वालों में से हूं। आई एम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ कार्बन क्रेडिट का एमओयू किया है। जैसे मैंने सूरत के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में से एनर्जी का काम किया, मैं कार्बन क्रेडिट कमा रहा हूं। मैं फ्लाईओवर बनाता हूं तो अगर व्हीकल का अगर 5 किलोमीटर भी उसका जाना कम होता है तो उसका हिसाब लगाता हूं, उसके कारण कितना डीजल बचेगा, कितना पेट्रोल बचेगा, कितना कार्बन बचेगा, दुनिया से पैसे लेता हूं उसका। लेकिन तत्वतः मेरी सोच अलग है, इसलिए गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री इवन इन द वर्ल्ड। एक तरफ दुनिया में कार्बन क्रेडिट का चलता है पाप करो और बाद में धोने का प्रबंध, हमने कहा है कार्बन क्रेडिट के बजाय वी मस्ट टेक द इनिशिएटिव फॉर द ग्रीन क्रेडिट, दिस न्यू कंसेप्ट। मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, भारत सरकार ने मेरी बात को मान लिया है। और जब मैं ग्रीन क्रेडिट की बात करता हूं तो मान लीजिए तुम एक उद्योग करने वाले हो, उस उद्योग से तुम इतना कार्बन डाइऑक्साइड करने वाले, तुम एनवायरमेंट को इतना होगा, डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस कैसे हो सोचना पड़ेगा। तो आवश्यक यह है कि तुम इन एडवांस ग्रीन पैकेज तैयार करो, उसकी मैं क्रेडिट दूंगा, बाद में तुमको बिगाड़ने का अवसर दूंगा। पहले तुम बिगाड़ो और बाद में पाप धोने का अवसर मिले, वो मेरे यहां नहीं होगा। मित्रों ग्रीन क्रेडिट इन एडवांस इसका मतलब यह हुआ कि वो उद्योग लगाए न लगा पाए, लेकिन वो अपने आप अपना 20 साल का फ्यूचर देख के, 25 साल का फ्यूचर देख करके, कंपनी के ग्रोथ को देख करके, इन एडवांस अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट पहले से ही वो ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम करेगा और वो सरेंडर करेगा और उसमें से उसको क्रेडिट मिलेगा, जो क्रेडिट उसको वो पाप करने की इजाजत देगा। पाप 25 साल पुण्य कमाने के बाद पाप के 25 साल करने की नौबत आएगी और तब तक टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी कि जो नुकसान करना है वो नुकसान कम होगा। और इसलिए हमने एक नया कंसेप्ट ग्रीन क्रेडिट का गुजरात की धरती पर हमने लाने का प्रयास किया है। मित्रों और एक विषय है जिसको हम किस प्रकार से इसमें लागू कर सकते हैं, उसको हमने सोचना होगा। आज हमारे दुनिया में जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है, मिलेनियम गोल की चर्चा हो रही है, ग्लोबल अनटॉकिंग गोल। मिलेनियम गोल को यहां तक हमको अचीव करना है। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं समय की मांग है कि मिलेनियम गोल के साथ कॉम्बैट क्लाइमेट का भी गोल पैरेलल सेट होना चाहिए और दोनों का अचीवमेंट एक साथ आना चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट का मिलेनियम गोल अचीव करोगे तो आप क्लाइमेट चेंज की समस्या ये मगरमच्छ के आंसू बनकर रह जाएगी। आपकी दुनिया के अभी G8 समिट के लोग, G8+5 के लोग बैठे थे बाली में, उन्होंने रिजोल्यूशन किया है। अभी वॉशिंगटन में उनकी एक मीटिंग हुई, वहां पर उन्होंने रिजोल्यूशन किया है। लेकिन इन रिजोल्यूशन को लागू करने में ये जो चीजें हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। और एक मुझे लगता है कि हमारे यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक जो मूलतः परंपराएं चली है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, ये सब है। जब क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज बनी है तब मनुष्य के सुख के पैरामीटर को पुनर्विचार करने की आवश्यकता बनी है। अब मनुष्य के सुख के पैरामीटर की आलोचना, जैसे मैं करोड़पति हूं सुखी हूं, लेकिन अगर मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं सुखी हूं क्या? इसका मतलब सुख की जो पश्चिम की धारणा है वही हमें आगे वाले दिनों में परिणाम देगी नहीं। और इसलिए आवश्यकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज हमने सोचना होगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन इकोनॉमिक की चर्चा करनी पड़ेगी। जब तक हम ह्यूमन इकोनॉमिक्स के टारगेट सेट नहीं करते हैं, जब तक हम ह्यूमन उसके अंदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, लेवल ऑफ पीस आती है, ऐसा तो ना हो कि जो
क्लाइमेट के कारण वही मरता चले। और इसलिए भाई बहनों, हम जब इन विषयों की चर्चा करते हैं तब एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। मुझे याद है मित्रों, हमारे यहां किस प्रकार की चीजें होती, हमारे पूर्वजों ने कुछ कहा है, मैं कोई अंधविश्वास व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी चोट कर जाती है। आप में से कोई महुड़ी गए होंगे, महुड़ी तीर्थ क्षेत्र है, वहां कोई 95 ईयर पहले एक महात्मा हो गए थे। वो महात्मा ने लिख करके गए हैं, वो उपलब्ध है, लिखा हुआ उपलब्ध है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं वो दिन देख रहा हूं जब पीने का पानी किराने के दुकान में बिकेगा। 95 ईयर पहले जब उसने लिखा होगा कि ये पीने का पानी किसी दुकान में बिकेगा, तो उस समय लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन आज हम ये किराने की दुकान से लाते हैं साहब। यानी उसने 95 ईयर बैक ये कहा था। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक संत का एक वर्जन। दूसरा वर्जन मैं बताता हूं, आप लोग अगर कच्छ में गए होंगे तो कच्छ के अंदर माकन दादा करके 400 साल पहले एक बहुत बड़े संत हो गए, और वो रेगिस्तान में रहते थे, रेगिस्तान में रहते। उनके पास एक कुत्ता था, एक गधा था, और कोई भी आदमी अगर रण के अंदर रेगिस्तान में कहीं भूला बिखरा है तो कुत्ता उसे खोज के ले आता था। और फिर ये माकन दादा गधे पर पानी उसके लिए भेजते थे और कुत्ता गाइड करता था। तो ये इस प्रकार से पानी पिलाने की सेवा करते थे माकन दादा। 400 साल पहले माकन दादा ने जो लिखा है वो क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ विषय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। पर मैंने कहा कहीं किसी ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि मैं एक दिन देख रहा हूं कि जब कच्छ कश्मीर होगा, कैन यू इमेजिन, यानी कच्छ कश्मीर, वो आदमी ने 400 साल पहले कश्मीर देखा होगा नहीं देखा होगा गॉड नोज, लेकिन उसे मालूम था क्लाइमेट चेंज ऐसा होने वाला है। और हम देख रहे हैं साहब, इस दिसंबर महीने में कच्छ में बारिश हुई। अब इसको क्या कहे भाई। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि एक दिन आएगा जब सिंधु सरस्वती और नर्मदा तीनों कच्छ में एक साथ होगी। नर्मदा कच्छ में पहुंच गई, सिंधु वहां है, सरस्वती लुप्त मानी जाती है। 400 साल पहले एक आदमी सोच सकता है क्या कि नर्मदा का पानी कच्छ में पहुंचेगा। यानी मित्रों, हमारे यहां इन सारे विषयों पर किस प्रकार से सोचा गया होगा, कैसे उनके अंदर मन में विचार आए होंगे, इसका इस सारे एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव होता है, इन सारी बातों को टुकड़ों में न सोचते हुए एक इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड और एक लंबी सोच के साथ अगर हम करेंगे, मुझे विश्वास है हम इच्छित परिणाम लेंगे। फिर एक बार देशभर से आए हुए सभी महानुभावों का मैं अंतःकरण पूर्वक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है आपके अनुभव, आपकी सफलताएं, उसका ज्ञान मेरे राज्य को मिलेगा, और उसमें से जो भी अच्छी चीजें करने का हमारा सामर्थ्य होगा उसको हम लागू करेंगे, और आपके मार्गदर्शन में इस राज्य को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में आपका ये 2 दिन का मेरे राज्य में वास्तव्य, आपका ज्ञान, आपका अनुभव एक शक्ति बनकर के उभरेगा। इस विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।